चलिए तो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रोटेशनल डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं रिजिड बॉडी क्या है। तो रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसके दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस समय के साथ ना बदले, जैसे कि रॉड, रिंग, डिस्क, स्फीयर। वाटर इज नॉट अ रिजिड बॉडी, राइट। अच्छा, रिजिड बॉडी की अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे? उसका जो भी मास है, जो भी आपने रेफरेंस लाइन बानी है, वहां से उसकी हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। तो इस चैप्टर में हम दो तरह के मोशन या तीन तरह के मोशन पढ़ेंगे, पहले दो को समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्योर ट्रांसलेशनल, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध रेखीय गति। शुद्ध रेखीय गति मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन को छोड़ के, हमने जो भी चैप्टर पढ़े हैं उसमें हमने यही पढ़ा है कि जैसे टक्कर भी कराई थी तो कोई ऑब्जेक्ट था तो सीधे घूम, उसमें हमने बॉल को घूमते हुए नहीं माना था, केवल बॉल के पास वेलोसिटी थी तो वो सीधे फिसलते हुए आ रही थी। ऑल द पार्टिकल्स ऑन द बॉडी मूव्स विद सम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी कि सिस्टम के या जो भी बॉडी है उसके सभी पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी से चले, और वो वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी हो? बेसिकली सेंटर ऑफ मास की। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि ये कोई हमने बॉल मानी, इस तरीके से बॉल चल रही है ना, तो यह मैं बोल रहा था ऐसे v वेलोसिटी से चल रही है बॉल, तो ये वेलोसिटी बेसिकली किसकी होती थी? ये हर पार्टिकल की वेलोसिटी v होती थी। हर पार्टिकल v वेलोसिटी से आगे चल रहा है और यही वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की भी होती थी। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की होगी वही हर पार्टिकल की होगी और सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी, और इसको हम कहेंगे शुद्ध रेखीय गति। ओके, तो यहाँ पे हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी और हम कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे कि ये वेलोसिटी किसकी है? सेंटर ऑफ मास की। तो इसको हम कहते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन या शुद्ध रेखीय गति हिंदी में कहते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरे टाइप का मोशन आता है प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मतलब शुद्ध क्या बोलते हैं उसको, शुद्ध घूर्णन गति, शुद्ध घूर्णन गति या घूर्णन गति भी कह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको रेखीय गति और ये घूर्णन गति, ठीक है। घूर्णन प्योर लिखने का क्या मतलब है? प्योर लिखने का मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, जो ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है, वो केवल रोटेशनल मोशन कर रहा है, वो आगे नहीं चल रहा है। जैसे आपने साइकिल के पहिए को घूमते हुए देखा होगा, जब साइकिल चलाते हैं तब स्टैंड पे खड़ी हुई नहीं, जब साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, साइकिल का पहिया अपने एक्सिस की ओर घूमता भी है और आगे भी चलता है। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं प्योर रोटेशनल की, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घूमे। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, और ये एक एक्सिस इसमें से पास हो रही है, इस तरीके से मान लेते हैं कि एक्सिस इसमें इस तरीके से ऐसे पास हो रही है और ये इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है ओमेगा से। तो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस का नाम होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, या इसको बोलते हैं घूर्णन अक्ष। ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए कि घूर्णन अक्ष क्या होता है, बार बार यूज होगा, है ना। तो समझ गए कि सभी पार्ट इसमें, इस ऑब्जेक्ट पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो ये वाला पार्टिकल ले लो तो ये इस तरीके से ओमेगा से घूम रहा होगा, कोई पार्टिकल यहाँ ले लो तो वो भी इस तरीके से घूम रहा होगा। तो जो सभी का सेंटर है, वही तो लिखा है यहाँ पे कि जो पार्टिकल घूम रहे हैं सर्कल में, उन सभी के सेंटर से पास होने वाली लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? एक्सिस ऑफ रोटेशन क्लियर है, प्योर रोटेशन क्लियर है क्या होता है? प्योर रोटेशन का मतलब है कि किसी एक्सिस के अबाउट हिंज्ड है, हिंज्ड बोलते हैं इसको, है ना, किलकित हिंज्ड है और उसी के अबाउट घूम रहे हैं सारे पार्टिकल, पूरी ऑब्जेक्ट उसी के अबाउट घूम रहे हैं। इसमें किसी के पास भी ऐसे नहीं कह सकते हम कि ये घूम भी रहे हैं और आगे भी चल रहे हैं, मतलब ऐसा कि ये पूरा सिस्टम किसी वी वेलोसिटी से कहीं जा रहा है, नहीं, ये केवल घूम रहे हैं, ठीक। जैसे साइकिल को हम स्टैंड पे खड़े कर दें और पहिए घूम और पैडल मारे उसमें, तो पहिया जैसे घूमेगा, दैट इज, है ना। फिर एक मोशन और आएगा जो हम लास्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर के, दैट इज प्योर रोलिंग या रोलिंग कह सकते हैं। उसमें क्या होगा? उसमें ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। उसमें वो वाला केस हम पढ़ेंगे, कौन सा? साइकिल वाला केस, कि उसमें पहिया घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है, घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है, तो उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, समझ गए?
एक्सेस ऑफ रोटेशन क्लियर है? अच्छा, तो क्या पार्टिकल सभी पार्टिकल के पास ओमेगा सेम होगी या वेलोसिटी भी सेम होगी या केवल ओमेगा सेम होगी, बताओ। जैसे इस पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल लिया जो ऐसे घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी हमने v1 मान ली, इसकी वेलोसिटी हमने v2 मान ली, तो क्या v1 v2 सेम होगी क्या? नहीं होगी, है ना। v1 v2 सेम थोड़ी ना होगी भाई। v1 v2 तो कैसे होगी, v1 बराबर हो जाएगी ओमेगा इंटू r1 जो भी डिस्टेंस है उसकी यहाँ से, और ये हो जाएगी r2, v2 बराबर ओमेगा r2, राइट। लेकिन अच्छा, जो इनका आवर्तकाल होगा, इनका टाइम पीरियड होगा, जो पार्टिकल यहाँ पे अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे, क्या वो सर्कल सेम टाइम में कंप्लीट करेंगे? ये अपना एक रोटेशन, एक कंप्लीट सर्कल सेम टाइम में कंप्लीट करेंगे या अलग अलग टाइम में कंप्लीट करेंगे, बताओ। सेम टाइम में कंप्लीट करेंगे, राइट। क्योंकि क्या लगाते हैं हम फॉर्मूला, टी बराबर 2π/ ओमेगा, और ओमेगा सभी का सेम है, ठीक। ओमेगा तो सेम है ना सभी का, अच्छा। रिजिड बॉडी की खास बात और होती है, ये तो होती है सारी बातें, रिजिड बॉडी अगर प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है तो ठीक है। एक खास बात और होती है कि इसके किसी भी पार्टिकल का, किसी भी पार्टिकल के रेस्पेक्ट में, किसी भी पार्टिकल का, किसी भी पार्टिकल के रेस्पेक्ट में अगर हम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो वो हमेशा सेम आएगी। रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर वेलोसिटी, किसी भी पार्टिकल के एंगुलर वेलोसिटी विद एनी अदर पार्टिकल, अगर वो रिजिड बॉडी है तो सेम आएगी। ये तरीका भी होता है कि कोई बॉडी रिजिड बॉडी है या नहीं, प्रूव करने का कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी हर पॉइंट के अबाउट सेम आ रही कि नहीं आ रही। खैर, तो यहां तक क्लियर है, प्योर रोटेशन एंड व्हाट इज द एक्सेस ऑफ रोटेशन, व्हाट इज द प्योर ट्रांसलेशनल। तो सो प्योर ट्रांसलेशनल तो सेम जो हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसके बारे में तो बहुत हम बातें कर चुके हैं। अब जो मेन फोकस रहेगा इस चैप्टर में वो रहेगा रोटेशनल मोशन पे, अब प्योर रोटेशनल, और आगे जाके हम कंबाइंड भी करेंगे, रोलिंग करेंगे मतलब। तो रोटेशनल जब भी आया उसका मतलब क्या है कि एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, और रोलिंग का मतलब आया उसका मतलब कोई चीज रोल करती है, मतलब वो आगे भी चल रही है और घूम भी रही है ना, ठीक। चलिए, तो चलिए मान लीजिए कि ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है मतलब जिसके अबाउट ये पूरी, ये कोई बॉडी है, रैंडम बॉडी मान रहे हैं, ऐसा कोई जनरलाइज नहीं कर रहे हैं भी चीजों को, और ये बॉडी इसके अबाउट इस तरीके से ओमेगा से घूम रही है, समझ में आ रहा है। अब ये जो बॉडी है, ये बहुत सारे पॉइंट है इसमें, अनंत अनंत पार्टिकल्स हैं इसमें, राइट, बहुत बड़ी बॉडी है। अब ये 2D ऑब्जेक्ट है कि 3D, कैसा भी मान सकते हैं आप, बोलो सर ये प्लेट जैसा है कि ये 3D में है, कोई मोटा ऐसा कुछ है, तो कैसे ही मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। अब यहाँ पे हम कुछ पार्टिकल्स ले लेते हैं, जैसे दो तीन पार्टिकल ले लेते हैं, कि मान लो कोई एक पार्टिकल है यहाँ पे, इसका मास हम मान लेते हैं m1, कोई एक पार्टिकल है यहाँ, इसका मास मान लेते हैं m2, कोई एक पार्टिकल है यहाँ, इसका मास मान लेते हैं m3, ऐसे अनंत पार्टिकल्स इसमें होंगे, इनकी यहाँ से डिस्टेंस भी अलग अलग होगी, मान लो r1 है, इसकी डिस्टेंस r2 है, इसकी डिस्टेंस R3 है, ऐसे बहुत सारे इसमें अनंत पार्टिकल्स होंगे। तो अगर मुझे पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, काइनेटिक एनर्जी टोटल लिखनी है, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, बताओ।
सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को जोड़ना पड़ेगा, कैसे? हाफ एम वन वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू का स्क्वायर प्लस हाफ एम थ्री वी थ्री का स्क्वायर, ऐसे करना पड़ेगा, बोलो। तो ऐसे लिखना तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर हम कैसे लिखेंगे रोटेशनल घूमते हुए किसी वस्तु का? चलिए तो देखो इनकी वेलोसिटीज क्या लिखेंगे बताओ। जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये इस तरीके से सर्कल बना रहे हैं, सर्कल में घूम रहे हैं, है ना? तो और हमको पता है कि सभी ओमेगा से घूम रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पे? इसकी वेलोसिटी क्या लिख दूं? ओमेगा आर वन लिख दूं, वेलोसिटी वी वन बराबर, साइड में लिख देता हूँ यहाँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूं वी वन बराबर ओमेगा इंटू आर वन, वी टू बराबर ओमेगा इंटू आर थ्री, वी थ्री बराबर ओमेगा इंटू सॉरी वी टू बराबर ओमेगा इंटू आर टू, वी थ्री बराबर ओमेगा इंटू आर थ्री। सही बात है, लिख सकते ना वेलोसिटी, जैसे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी लिख सकते ना ऐसे। अब ये वैल्यूज मैं पुट कर देता हूँ उसमें, देखना ध्यान से। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, हाफ एम वन वी वन की जगह क्या लिख दूं? ओमेगा आर वन का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू की जगह क्या लिख दूं? ओमेगा आर टू का स्क्वायर प्लस हाफ एम थ्री वी थ्री की जगह क्या लिख दूं? ओमेगा, इस तरीके से सभी के लिए लिख सकता हूँ। अब जरा सॉल्व करो इसको, क्या आ रहा है? तो स्क्वायर कर लिया, कर लिया, ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन में से मैं हाफ कॉमन निकाल सकता हूँ एंड ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा? एम वन आर वन का स्क्वायर प्लस एम टू आर टू का स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री का स्क्वायर, ऐसा कुछ बचेगा? बोलो, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी टोटल। बस अब प्रॉब्लम क्या है, तो ये हाफ हमको पता है हाफ हाफ होता है, ओमेगा हमें दिया है, बट ये चीज क्या है? कुछ तो है, ये चीज क्या है? अगर ये चीज हमें मिल जाए डायरेक्टली तो हम किसी भी घूमते हुए ऑब्जेक्ट का, चाहे वो ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, उस ऑब्जेक्ट का हम काइनेटिक एनर्जी टोटल निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दिस क्या है, ये क्या है, इसको कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ये चीज है आई। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टोटल का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये किसका आ गया? ये अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। अब सोचो, ध्यान से सोचना कि जब जनरल फॉर्मूला होता था, जब कोई ऑब्जेक्ट सीधा चलता था किसी वेलोसिटी से मास m का, तो क्या लिखते थे? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ की जगह हाफ है, ठीक है, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, चलो ठीक है, वेलोसिटी वेलोसिटी, पर ये इसका मतलब ये जो आई है ये कुछ मास जैसी चीज है ना? ये आई जो है वो क्या है? कुछ मास जैसी चीज है, इसका नाम होता है, और ये कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। तो यहाँ पे जो आई है बेसिकली क्या हो गई, अभी नाम बताता हूँ मैं। आई बराबर हो गया एम वन आर वन का स्क्वायर प्लस एम टू आर टू का स्क्वायर प्लस, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ, या हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, दोनों का मतलब जोड़ना होता है, एम आई आर आई का स्क्वायर फ्रॉम आई। अरे आई बात समझ में, बट ये आई है क्या, कोई बताएगा इसका नाम? किसी को पता है? मैं बताता हूँ। सो व्हाट इज आई? सो आई क्या है, है ना? सो आई का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Of the body,
इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी हिंदी में नाम होता है इसका जड़त्व आघूर्ण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम होता है जड़त्व आघूर्ण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी ऑफ द बॉडी मतलब किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण। तो बेसिकली ये है क्या, हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई मास अगर घूमता है किसी एक्सिस के अबाउट, तो हर एक्सिस के अबाउट उसका बिहेवियर अलग होता है, उसका इनर्शिया अलग तरीके से बिहेव करता है, उसका जड़त्व अलग तरीके से बिहेव करता है। तो अलग अलग एक्सिस के अबाउट उसका बिहेवियर जो हो रहा है दैट इज जड़त्व आघूर्ण, राइट। जब बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन करती है तो आप कैसे भी चलाओ उसको, इधर की साइड चलाओ, इधर की साइड चलाओ, ऊपर चलाओ, नीचे चलाओ, इसका जड़त्व सेम तरीके से बिहेव करता है, उसको हम मास कह देते हैं। इसलिए मास कभी चेंज नहीं होता, मतलब कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तब भी इसका मास एम लेते हैं, कोई पीछे जा रहा है तब भी इसका मास एम लेते हैं, ऊपर जा रहा है तब भी मास दाएं जा रहा है बाएं जा रहा है एम लेते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है और हमने उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दी घूमने की, जैसे अभी सेंटर लगा दी, जैसे कोई डिस्क है ये, है ना, ये अभी सेंटर से घूम रही है, फिर डिस्क को हमने इस तरीके से घुमा दिया कि भाई इसके अबाउट ऐसे घूम रही है, तो इसका जो इनर्शिया है, इसका जड़त्व है, वो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा, ठीक है। वो सब चीजें भी सीखेंगे हम। तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एम आर स्क्वायर। तो कोई इसकी यूनिट पूछे तो कितनी हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सारी बातें लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने देखा काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आई क्या है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण। आई बेसिकली क्या है, एम वन आर वन का स्क्वायर, है ना। थोड़ा और समझ लेते हैं इसके बारे में, किस पे डिपेंड करता है, क्या होता है। तो इट इज द टर्म सिमिलर टू द मास इन न्यूटन्स लॉ। जैसे न्यूटन्स लॉ में मास होता है, वैसे ही रोटेशन में, जैसे जहां जहां मास का यूज करते थे ना वहां पे न्यूटन्स लॉ में, रोटेशन में मास की जगह आई लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे सोचो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। न्यूटन्स लॉ में अगर वहां पे उन चैप्टर्स में ट्रांसलेशन मोशन वाले चैप्टर में अगर हम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर लिखते ना, तो ये मास की जगह देखो ये आ गया। तो मतलब कुछ कुछ वैसा ही है। अब ये किस किस पे डिपेंड करता है, ये सब चीज पे डिपेंड करता है। मास पे डिपेंड करेगा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, उसकी शेप पे डिपेंड करेगा, उसके साइज पे डिपेंड करेगा। मतलब मास मान लो एम ही है, उससे आपने एक स्फीयर बना दिया, एक डिस्क बना दिया, एक ब्लॉक बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, तो इन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो जाएगा, राइट। तो सब पे डिपेंड करता है, मास अलग होगा तब भी चेंज हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा तब भी अलग हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इज डिपेंड ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। किस एक्सिस के अबाउट उस ऑब्जेक्ट को घुमाया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है, वो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। अब मेन बात आती है कि इसको निकालते कैसे, है ना। तो उसको निकालना हम सीखते हैं, ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कि फाइंड कैसे करते हैं इसकी वैल्यू। व्हाट इज इनर्शिया, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में देखा था व्हाट इज इनर्शिया, जड़त्व जिसे कहते हैं। तो इनर्शिया क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये रुका हुआ है ना, रेस्ट पर है, अगर हम इसे चलाना है तो हमें कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि इसका जो जड़त्व है वो चाहता था, अगर अच्छा रुका हुआ है तो ये रुका ही रहे, चलना नहीं चाहता। अगर कोई ब्लॉक चल रहा है, मान लो v वेलोसिटी से चल रहा है, तो अगर उसे हम रोकना चाहते हैं तो फिर हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका जड़त्व है वो चाहता है कि यार अब ये चल रहा है तो चलता ही रहे, स्टेट ऑफ मोशन को वो चेंज नहीं करना चाहता, वो जड़त्व है। तो जड़त्व क्या है, समझ में आया कि वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करने देना चाहता, दैट इज इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये रोटेशनल स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, मतलब ये तो चलने वाली बात थी, लेकिन अगर घूमने वाली बात की जाए तो जो जैसे ऑब्जेक्ट अगर कोई घूम रहा है किसी एक्सिस के से घूम रहा है, अब रोकने के लिए हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उसका अपोज कौन कर रहा है कि नहीं नहीं मैं नहीं रुकने दूंगा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मतलब ये प्रॉपर्टी है मास भी, समझ गए। और ये प्रॉपर्टी किसकी वजह से आती है, मास की वजह से, शेप की वजह से, मतलब ये उसके अंदर रहती है। जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, उसको रोकने के लिए उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, चलाने के लिए भी उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अरे आई बात समझ में। देखो मेन तो क्या है कि कैलकुलेट कैसे करते हैं,
बस थोड़ी फीलिंग के लिए हम इसको समझ रहे हैं, बाकी तो बेसिकली नर्सरी का एक प्रॉपर्टी है ना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है ना, आलस्य है उस ऑब्जेक्ट का। ठीक, तो क्या कह रहा है दूसरे पॉइंट में कि अगर मास जो है, इफ मास इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन, दिस एक्सेस इज द एक्सेस ऑफ रोटेशन, इट विल हैव मोर एम ओ आई। भाई हमने आई का फॉर्मूला क्या देखा था, एम आर स्क्वायर, यहाँ आर क्या है, उस मास की एक्सिस से डिस्टेंस। तो ये कह रहा है कि अगर एक्सिस से डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्जिया भी ज्यादा होगा। भाई सिंपल है ना, इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं बहुत अच्छा, कि मान लो एक खोखला गोला है, होलो स्फेयर है, ये तो कैसा है, होलो स्फेयर, और ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, और ऐसे ही एक सॉलिड स्फेयर है, ये आपको सोच के बताना है, ये सॉलिड स्फीयर है ठीक है, और ये भी ऐसी सेम उसी एक्सिस के अबाउट ये भी घूम रहा है, दोनों का मास इक्वल है, दोनों की रेडियस भी इक्वल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, बताओ किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, ये है हॉलो स्फीयर ये है सॉलिड स्फीयर। बताओ क्या लगता है आपको, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, मास सेम है, रेडियस सेम है, एक्सेस ऑफ रोटेशन भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो ज्यादा किसका होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दोनों को बराबर होगा। वेरी गुड, तो I1 ज्यादा होगा, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा सॉलिड स्फीयर से, कैसे देखो ध्यान से, अभी मैंने आपको एक बात बोली कि मास जितना ज्यादा दूर होगा, अब देखो ये सॉलिड स्फीयर है तो इसमें जो मास है वो तो देखो दोनों का मास तो सेम ही है ना, दोनों ऑब्जेक्ट का, लेकिन इसमें सारा का सारा मास देखो दूर दूर है, पूरा एकदम यहाँ पे है, जितनी मैक्सिमम दूरी हो सकती है सारा मास दूर है, इतना इतना ऐसे इतनी दूर दूर है मास है ना, तो जब एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर किया जाएगा इसके लिए तो वो ज्यादा आएगा। अब यहाँ पे तो सभी जगह मास है, यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे भी है, तो मास एम तो सेम ही है ना भाई, दोनों का द्रव्यमान तो समान ही है, तो इसकी देखो एक मास इतना पास भी है, इतने सारे मास पास में भी हैं, तो इनका जब एम आर स्क्वायर करेंगे तो छोटा हो जाएगा, मतलब जो दूर वाले मास है वो तो कम है, पार्टिकल सोचो ना कि एम मास का है ये पूरा, लेकिन ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है ना, M1, M2, M3, M4, M4, ये भी उससे बना होगा, M1, M2, M3, M4, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो तो पास में भी हैं, तो उनके आर तो छोटे हो जाएंगे ना, आर छोटे हो जाएंगे तो एम आर स्क्वायर करोगे तो वो भी छोटे हो जाएंगे, बात समझ में आई, सोचने वाली बात है, सोचो भाई मास बराबर है रेडियस बराबर है तो कंपेयर कर पा रहे हैं, अगर बोलो कि मास ज्यादा है रेडियस भी ज्यादा है ये ज्यादा है वो ज्यादा, तो फिर एग्जैक्ट फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि इसका I1 का फॉर्मूला क्या है भाई, ये है इसका क्या है भाई, ये है, वैल्यू डालो फिर कैलकुलेट करो कि कौन ज्यादा है ना, लेकिन अगर मास सेम है रेडियस सेम है तो मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ कि हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें जो मास है ये द्रव्यमान के जो पार्टिकल्स हैं वो एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे, अंदर तो खाली है ना इसमें, लेकिन इसमें तो अंदर भी भरे हुए हैं, तो वो जो मास के पार्टिकल्स हैं वो तो पास में भी हैं, थोड़े बहुत काफी सारे पास में भी हैं, बाहर तो कितने से होंगे, कम होंगे बाहर तो, ऑब्वियस इससे तो कम ही होंगे है ना, तो यहाँ पे हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा बजाय सॉलिड स्फीयर के, ये बात समझने की है, और ये बात कहाँ से समझ में आ रही है हमको, एम आर स्क्वायर से, ये इस वाले पॉइंट से। ठीक, चलिए तो ये एक एग्जाम्पल और करा रहे हैं बस इसका, कि मान लो इस तरीके से दो रॉड है, दोनों बिल्कुल सेम साइज की है ना, शेप भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किया है, ये वाली रॉड है वो इसके अबाउट घूम रही है,
और ये वाली रॉड इस बीच वाले पॉइंट की रॉड इस तरीके से गोल 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 घूम रही है और ये ऐसे ऐसे घूम रही है। इस वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो आई वन है इस एक्सिस के अबाउट, और इस वाली रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टू है। यहाँ पे हमने एक्सिस चेंज कर दी है, तो प्लीज ये मत सोचना कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा, क्योंकि एक्सिस बदल चुकी है और मैंने बताया एक्सिस पर डिपेंड करता है। आपको ये बताना है कि बताओ आई वन आई टू में से कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। बताइए आई वन आई टू में से कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो उसमें आई वन बड़ा होगा, क्यों होगा आई वन बड़ा सोचो। देखो अगर हम पहले वाले केस को देखें तो इसमें रॉड के पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ तक है, एल तक है ना, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। तो मतलब अगर इसको हम एल बाई टू माने या आधी लेंथ है एल बाई टू, तो इतने सारे पार्टिकल इतनी बड़ी लेंथ पर भी हैं, देखो एल बाई टू से ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो इधर की डिस्टेंस भी एल बाई टू और इधर की डिस्टेंस भी एल बाई टू। समझना ध्यान से कि इतने जो पार्टिकल हैं उनकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया होगा, जो एल बाई टू डिस्टेंस है, वो तो इसके बराबर आ गया होगा एक तरीके से। लेकिन जो बाकी के पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्टेंस भी एल बाई टू तक ही है, लेकिन इस वाले केस में जो बाकी पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्टेंस तो देखो एल बाई टू से ज्यादा है। बात समझ में आई? मतलब ये बात ऑब्वियस है कि देखो इतने पार्टिकल्स तो दोनों जगह सेम है भाई, ठीक है, ये यहां से यहां तक इतने पार्ट में पार्टिकल्स हैं और इनकी डिस्टेंस जीरो से एल बाई टू तक है, और इस केस में भी इनकी डिस्टेंस जीरो से एल बाई टू तक है। लेकिन जो ये वाले पार्टिकल्स हैं इसमें तो उनकी डिस्टेंस एल बाई टू तक ही है, लेकिन इसकी डिस्टेंस तो दूर है ना। तो बेसिकली एम आर इस पर इनका बड़ा हो जाएगा, तो आई वन बड़ा हो गया आई टू छोटा हो गया। अरे बात समझ में आई? ठीक। अब जैसे हमने सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा था ना अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का, डिस्क का, रिंग का, हाफ डिस्क का, हाफ रिंग का, वैसे हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे हर ऑब्जेक्ट का, कि कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के ऊपर घुमाने से कितना अपोज करता है, उस रोटेशन का कितना अपोज करता है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक।